एनडीएफ जेएनके में हमारे दो पुलिस स्टेशन, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, अभी तक कमर्शियल क्वांटिटी के 6 पर्चे लग चुके हैं, जिसमें 9 बंदे अरेस्ट हैं। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स पे काम हो रहा है। कुछ बंदे इसमें अरेस्टेड हैं जो हमारे यूटी के नहीं हैं, अदर स्टेट्स के हैं, वो इंटर स्टेट जो ड्रग के गैंग हैं उनको भी बस्ट करेंगे। बाकी काफ़ी ज़ोरों से हमारा काम चल रहा है, और अभी जो बाकी सिस्टर एजेंसीज हैं जो कि पुलिस है, उसके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है, ताकि हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकें और इफेक्टिवली उस पर एक्शन कर सकें। देखो, उसके लिए जो एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सस्पेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। बाकी इस पे काफ़ी नज़र रखी जाएगी कि जो भी नारकोटिक्स है, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस मूव होते हैं, उसमें हर एक एजेंसी, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, वो काम करेगी बड़े अच्छे तरीके से, अलर्ट होके, तो ये सारा कंट्रोल में रहेगा। वी एक्सपेक्ट, देखो, जनता को, पब्लिक को हमारी यही अपील है, एक तो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जो भी बंदे ड्रग पैकलर या स्मगलर उनके एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जब कुछ ऐसे बंदे जो उनको लगता है कि ये काम कुछ नहीं करते हैं और इनके पास बहुत पैसा है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें दें, ताकि हम उसके ऊपर काम करेंगे, ये पैसा आ कहाँ से रहा। तीसरा, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, और हमारी पब्लिक से ये अपील है कि जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम सुनने के लिए पब्लिक आती है, वो बाकी भी अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स, अपने फ्रेंड सर्कल में जो हम बोलते हैं, वो बाकी वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। और जहां तक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर है, जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, उनके लिए हमारे साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि वो डी एडिक्शन सेंटर्स में उनको भर्ती करके उनको डी एडिक्ट किया जाए, उसको एक एज ए पेशेंट ही वो ट्रीट करें और हमारे पास लाएं। उसको सोशल स्टिग्मा ना समझेंगे, हम इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा मत सोचें। ठीक है, अगर वो रास्ते से भटक गया है, उसको हमारे पास लाएं, डॉक्टर्स हैं डी एडिक्शन सेंटर्स में, वो उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी पास करेंगे। तो जितना हमारा ये ड्रग एडिक्ट कम हो जाएंगे, जितना हम सतर्क रहेंगे, उतना ही जल्दी इंडिया एक ड्रग फ्री कंट्री बनेगा। देखो, तो डाटा तो रहता है, बट वो अभी मेरे पास सिस्टम में कंप्लीट डाटा नहीं है, वो तो रहता ही है कितना रजिस्ट्रेशन, और मोटा मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल FIR रजिस्ट्रेशन इसमें काफ़ी बड़ा है, और जो केसेस इसमें डिसाइड हुए हैं उनमें कन्विक्शन रेट भी बड़ा है। देखो, जो भी हमारे पास सोर्स रहता है, हम सोर्स का नाम कहीं भी शेयर नहीं करते हैं। बाकी हमारी पब्लिक से यह अपील है कि वो थोड़ा सा दिल खोल के सामने आए, क्योंकि आप एक नॉबल काज की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप एक नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये एक ड्यूटी भी बनती है एक सिटीजन की कि वो ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे। तो वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू द पब्लिक अगर वो टाइमली हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो पिछले आजकल के टाइम का नहीं, जितना अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसका इम्पैक्ट है, लोग भी अवेयर होते हैं और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी अच्छी आती है, जिसकी वजह से हम कमर्शियल क्वांटिटी के पर्चे निकाल पाते हैं। तो क्या सर, आपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर? के पास पुलिस स्टेशन जम्मू और कश्मीर के नंबर हैं, लोग करते हैं इन्फॉर्मेशन।